नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान NBG प्रिंटोग्राफिक फरीदाबाद से। आज हम बात करेंगे वी बॉटम पेपर बैग मेकिंग मशीन के बारे में। वी बॉटम पेपर बैग मेकिंग मशीन, जो हमने ये बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन बनाया, हाई स्पीड मशीन है। इस मशीन पे आप ग्रोसरी बैग, फार्मेसी बैग, लॉन्ड्री बैग और जो आजकल फूड डिलीवरी में बैग यूज़ हो रहे हैं वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। बात करें हम इस मशीन के स्पेस की, इन्वेस्टमेंट की और लेबर की, तो इस मशीन में आपको स्पेस अगर विदाउट प्रिंटिंग लगाना है तो कम से कम 600 से 800 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और अगर विद प्रिंटिंग लगाना है आपको तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। एक ऑपरेटर और एक हेल्पर इसके लिए काफ़ी होगा। बात करें इलेक्ट्रिसिटी लोड की, तो इसमें आपको 4 से 5 किलोवाट 3-फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं मशीन के फीचर्स और एडवांटेज की। आइए, इस मशीन में हमने यूज़ किया है हाइड्रोलिक सिस्टम। ये आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसके थ्रू आप हैवी से हैवी रील लोड कर सकते हैं। 1 टन तक की रील अगर आप चाहते हैं तो वो भी लोड हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रिंटिंग सिस्टम की। ये हमारा प्रिंटिंग यूनिट है, इसमें हमने 2 कलर की प्रिंटिंग मशीन बनाई है इसके साथ में। इसमें हमने साइड रजिस्ट्रेशन, रनिंग रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, और ये इसके लिए आपको जो डिज़ाइन करानी पड़ेगी पॉलीमर प्लेट, ये पॉलीमर प्लेट है, इस तरह की आपको डिज़ाइनिंग करानी पड़ेगी। अगर सिंगल कलर प्रिंटिंग करनी है तो सिंगल प्लेट बनवानी पड़ेगी, अगर डबल कलर प्रिंटिंग करनी है तो डबल प्लेट बनवानी पड़ेगी। ये हमारा इंक रोलर है, ये हमारा एनिलॉक्स रोलर है, ये हमारा प्लेट रोलर है। दोस्तों, यहाँ से आप प्रिंटिंग और कटिंग का मिलान कर सकते हैं। अब बात करें हम ग्लूइंग सिस्टम की। ये आपका साइड ग्लू है, जिससे आप साइड पेस्टिंग, सेंटर पेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। ये आपकी ट्यूब फॉर्मिंग सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे आपका जो पेपर पीछे से आ रहा है वो ट्यूब फॉर्म बन जाता है। साइड गजट की अगर हम बात करें इस मशीन में, तो आप 0 से 6 इंच तक का गजट मैनेज कर सकते हैं। आप 2 इंच चाहो, 4 इंच चाहो, वो गजट मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस मशीन में हमने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है, जो ये सेंसर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस सेंसर के थ्रू आपका अगर पेपर पीछे टूट जाता है तो ये मशीन ऑफ हो जाएगी, उस कंडीशन में आपकी वेस्टेज बचती है। बात करें हम मशीन के लेग ब्लेड की, ब्लेड के आप सेटिंग कर सकते हैं कितना लेंथ का आपको बैक काटना है, 6 इंच 8 इंच 10 इंच, वो जो भी आप सेट करेंगे उस पर आपकी लेंथ कट जाएगी। ये आपका बॉटम ग्लू सिस्टम है, जहाँ से आपका ये बॉटम ग्लू चलता है, ये आपका चिपक जाता है। अब बात करते हैं हम डिलीवरी टेबल की। इस मशीन का एक कंट्रोल पैनल है, डिजिटल काउंटर हमने इसमें यूज़ किया है, किकर सिस्टम हमने इसमें लगाया है। अगर आपको बैच प्रोडक्शन करनी है, 100 पीस का बंडल बनाना है, 50 पीस का बंडल बनाना है, तो आप किकर ऑन कर सकते हैं इसके थ्रू। दोस्तों, हमने इसमें जो इलेक्ट्रिक, ये हमारा पूरा पैनल है, इसमें हमने रेक्सरोथ की ड्राइव यूज़ की है, जो जर्मनी की स्टैंडर्ड कंपनी है। जो हमने स्विचेस वगैरह यूज़ किए, स्नाइडर के स्विचेस हैं सब, एक स्टैंडर्ड मटेरियल हमने इसमें लगाया है मशीन में। मेन फ्रेम हमारा, जो ये मेन फ्रेम है, इसको हमने CNC मशीनों के द्वारा बनाया हुआ है। इसमें मेन मोटर जो देते हैं, क्रम्पटन की मेन मोटर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप हमारी फैक्ट्री आइए, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए, हमारी मशीन शॉप देखिए, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।